देखते हैं एक पत्नी ने अपने आशिक के पीछे कैसे पति की हत्या कर दी, तो आओ गौर करते हैं। एक पढ़ी लिखी एक नारी थी, जो माँ बाप के संग में रहती थी। अरे अमीर घर की बिटिया थी और कॉलेज में पढ़ जाती थी। सनी, एक लड़की बहुत पैसे वाले बाप की थी और एक स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी। एक लड़का से इसका हुत हो गया तो लड़की ने क्या कहती थी? एक लड़का संग में पढ़ता था, एक लड़का संग में पढ़ता था, फिर प्यार का भंडा तैयार हुआ और भाग्य और नारी चरित्र नहीं ब्रह्मा लिख पाए। भैया पुरुष भाग्य और नारी चरित्र नहीं ब्रह्मा लिख पाए। भैया नारी चरित्र और पुरुष भाग्य नए ब्रह्मा लिख पाए। भैया याद रखना, जब एक लड़की बहुत सुंदर थी, पढ़ने के लिए कॉलेज में जाती थी, एक लड़का से हित हो गया, तो जब शादी के लायक हुई तो माँ बाप ने एक अच्छे घर में विवाह कर दिया। तो जो विवाह हुआ था उस लड़के का नाम था सनी सोनू, उस लड़के का नाम था मदन कुमार। मदन कुमार के साथ में विवाह कर दिया। हुआ ऐसा तो एक मदन कुमार को ब्याह भाव सोनम सुकुमारी आई है और तान दहेज मिलो सब कछु संग में एक गाड़ी लाई है। एक मदन कुमार नाम के लड़के से विवाह हुआ। होना क्या था सनी, एक मदन कुमार को ब्याह भाव सोनम सुकुमारी आई है, हरे तान गए जमे रो सब कछ संग में एक गाड़ी लाई है। वो
कूलर पंखा यहाँ तक के राहुल एक बैगनार और मिली थी हमें। अच्छे घर में फिर वो बिटिया दुल्हन बन के जब आई है, अब सास ससुर आंख से नाला बे भैया सुनाता आई है। रखना हुआ ऐसा कि जब वो लड़की दुल्हन बन के घर पे आई तो देखिए चालाकी भी हद होती है, उस लड़के का मोबाइल नंबर और अपनी माँ के फोन से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया सनी। जब ब्लैक लिस्ट में डाल दिया अब तो नंबर बिजी बताने लगा, और जब बिजी बताने लगा तो लड़का ने सोचा कि मेरी वाइफ भी बिजी रहती है, सासू माँ के नंबर पर फोन किया तो वो भी बिजी बताने लगा, सोचा चलो कोई बात नहीं अपनी माँ से बात करती थी, लेकिन लला वहां तो कुछ और ही चल रहा था। अरे नारी दूसरे के गुल खेल बाबे, सासु ससुर माए आखे से लावे, पति मन मन में बहुत पछतावे, लेकिन नारी नहीं समझ में आवे। जब बहुत पति सोच रहा है कि भाई मेरे को पत्नी नहीं सही मिली, एक बार पत्नी ने पति से ऐसे झगड़ा कर दिया, सनी झगड़ा कर दिया तो पति बोला कि तुम ये बताओ मेरे साथ क्या तुम दुखी रहती हो, बोले नहीं, बोले मेरे साथ जबरदस्ती शादी हुई है, बोले ऐसा भी नहीं, बोले फिर ये बताओ तुम गुस्सा क्यों रहती हो, चिड़ी चिड़ी क्यों रहती हो। तो पत्नी बोली चिड़ी चिड़ी, बोले हाँ कि चिड़ी चिड़ी तुम ये बताओ तुम्हें 3 महीने हो गए घर में बैठे बैठे, ऐसे कब तक खाएंगे, तुम कहीं काम पे जाओ। पति मन में सोचने लगा मैं तो सोच रहा था पत्नी खराब है, लेकिन पत्नी बहुत बढ़िया है, हमें फ्री भी नहीं रहने देती है। पति ने फोन कर दिया कि कल से हम ड्यूटी आ रहे हैं। तो जब पत्नी लौट करके अपने मायके पहुंची तो वो लड़का जो था सनी कौन जो पहले बाबा तो सोलला, तो वो लड़का जो था तो उससे बात हुई, बोला तुम ऐसा करना मेरे घर चले आना और हम तुम्हारे साथ चलेंगे। लड़का बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, लेकिन ये बात कहते हुए लड़की के भाई ने देख ली। जब भाई ने देख लिया तो लड़का को डरपाया धमकाया, बोले तू वहां मन जाना, बोले क्यों, बोले वहां मन जाना मैं बता देते हैं तुम्हें, तो कोई बात नहीं है। जब लड़की चली गई तो लड़का मन में सोच रहा है अरे कौन पापा मने करे अरे पान बेस्वर, जो छोड़ी गई है मजधार दी, लड़की के पीछे हमारे घर के परिवार के वो लोग हमसे बिछड़ गए, वो हमसे नाराज हो गए, लेकिन अरे का करें किन से कहें अरे पन बेस्वर, हाँ का करें किन
से कहे पनवेश्वर अब सूजी रो है अधियार जी। अरे का करे किन से कहे अरे पनवेश्वर अब छोड़ी गई है मजधार जी। लड़का सोचने लगा क्या करें क्या ना करें, तुम तो अपने पति के साथ आनंद से रहती होगी लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कि बैठ के गम की तन्हाइयों में और तेरे बारे में सोचा करें। नाम लिख के हथेली पे तेरा याद आने पे तुम्हारा करेंगे। नाम लिख के हथेली पे तेरा नाम लिख के हथेली पे तेरा याद आने पे चुमा करेंगे। मेरे भैया अब लड़का सोच रहा है रो रहा है तो कुछ दिन के बाद जब वो उसके घर पहुंचा जब घर पहुंचा तो दिन का माहौल था। जब दिन था तो उसने घर पे बुला लिया। अब सास ने पूछा कौन है ये, तो बोले मेरे भाई हैं। अब प्रेमी को सनी भाई बता रही है, बोले मेरे भाई हैं। बोले अच्छा, तो उसकी सास ने और ज्यादा सम्मान किया और ज्यादा सम्मान किया। तो पत्नी ने बोला सुनो लिखाओ। बोले ऐसा करना कैमरे लगे हुए हैं, कहीं टच मत करना, तुम रात के अंधेरे में आना तब चलेंगे। तो लड़का भैया जा सोचन लगो क्यों भगवान देने में ही सोच मंदिर जाए है? सोचन लगो। तो रात हुई तो हुआ क्या सनी, अरे पीतिया दी रात रे सोई लई बिटिया जगाई,
दी राती रे सोई लई बिटिया तो जगाई अरे शादी पाऊ बिठिया उठ गई अब सुनियो मेरे भाई जब बेटी उठ गई तो बेटी के साथ साथ सास भी जगी लला सनी सास भी जगी तो बोला बेटी कहाँ जा रही हो तो सास उठाए के मतलब धरे मारी महाराज पति के लई रसी से बानी नारी ने पीछे से आई के तई खोपड़ी फोड़ भैया तड़फ तड़फ के मरो लला के छक्का छूटे भैया तड़फ तड़फ के मरो कुमार के छक्का छूटे वो लड़का खत्म हो गया वो जो दूसरा लड़का था उसका प्रेमी था वो उसे लेकर के चला गया जब चला गया तो रास्ते में जाकर के उसने कहा सुन अब तू मेरी बात सुन कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा नाम किसी के ना कोई हमारा नाम किसी के ना कोई हमारा अरे मतलब से भैया भैया को पुकारे और मतलब का है ये सारा जमाना और नाम किसी के ना कोई हमारा नाम किसी के ना कोई हमारा मतलब मैं पत्नी पति को पुकारे जैसे तू छोड़ के आई है छोड़ के कहीं मार के आई है हाँ। अरे मतलब मैं पति पत्नी को पुकारे और मतलब का है ये सारा जमाना नाम किसी के ना कोई हमारा नाम किसी के ना कोई हमारा